हाय गाइस, वेलकम टू स्टडी स्किल सक्सेस। तो यार, एनएमसी की तरफ से एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन आया है जिसके अंदर आप सभी नीट एस्पिरेंट्स के लिए काफी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन दी गई है, और स्पेशली उन एस्पिरेंट्स के लिए जो कि नीट 2024 का एग्जाम देने जा रहे हैं। तो क्या ये इंफॉर्मेशन है, पूरा डिटेल में डिस्कस करेंगे। वीडियो को बिल्कुल भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आपके लिए ये वीडियो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, और स्पेशली मैंने जैसा कि बताया नीट 2024 के एस्पिरेंट्स के लिए। ठीक है, तो आपने नेक्स्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आप एक मिनट, आपने नेक्स्ट का नाम तो जरूर सुना होगा। अब इस नेक्स्ट नेक्स्ट का मतलब आगे नहीं है, बिल्कुल नहीं। इस नेक्स्ट का मतलब है नेशनल एग्जिट टेस्ट। ठीक है, नेशनल एग्जिट टेस्ट आपने जरूर सुना होगा, चाहे आप नीट की प्रिपरेशन कर रहे हैं या फिर आप एमबीबीएस कर रहे हैं। नेशनल एग्जिट टेस्ट अगर आपने नहीं सुन रखा तो शॉर्ट में बता देता हूं, ये कंपलसरी एग्जाम है जो कि आपकी 4 साल की एमबीबीएस कंप्लीट होने के बाद आपको देना है। और इस एग्जाम में आप जब तक क्वालिफाई नहीं करेंगे तब तक आपको एमबीबीएस की डिग्री जो है वो नहीं दी जाएगी। आपको 4 साल की एमबीबीएस कंप्लीट करने के बाद नेक्स्ट का एग्जाम क्वालिफाई करना होगा, उसके बाद ही आपको एमबीबीएस की डिग्री दी जाएगी, अदरवाइज आपको एमबीबीएस की डिग्री नहीं दी जाएगी। सबसे पहले आपको नीट करना है, नीट के बाद आपको 4 साल की एमबीबीएस करनी है, उसके बाद आपको नेक्स्ट एग्जाम देना है, उसके बाद ही आपको डिग्री दी जाएगी। अदरवाइज ये एग्जाम अगर आपका क्वालिफाई नहीं होता है तो आपको डिग्री नहीं दी जाएगी। तो ये है आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट, यानी कि नेक्स्ट। ठीक है, पहले क्या बोला गया था, पहले ये बोला गया था कि 2019 पहला बैच होगा जो कि आपका नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट देगा। 2019 4 साल लगा लीजिए, 2023 यानी कि बोला गया था पहला जो नेक्स्ट होगा, पहला जो नेशनल एग्जिट टेस्ट होगा वो 2023 में होगा, ये बात बोली गई थी पहले। लेकिन अभी क्या बोला गया है उस पर बात करते हैं। अभी रिसेंट में जो इंफॉर्मेशन आई है उसके अकॉर्डिंग मैं आपको बता दूं, उसके अकॉर्डिंग बोला गया है कि 2024 का जो बैच होगा वो पहला बैच होगा जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट यानी कि नेक्स्ट देगा। और ये कब देगा, ईयर 2028 में, यानी कि पहला आपका जो नेक्स्ट एग्जामिनेशन होने वाला है वो होने वाला है 2028 में, और 2028 में ये जो टेस्ट है वो 2024 के बैच वाले स्टूडेंट देंगे। अभी जिनका एडमिशन हो रहा है 2023 में, उनको नेक्स्ट एग्जाम देने की जरूरत नहीं है, उनको बिना एग्जाम दिए ही उनकी डिग्री दे दी जाएगी। लेकिन हाँ, 2024 में जो स्टूडेंट नीट के लिए अपीयर होंगे और एमबीबीएस में एडमिशन लेंगे उनके लिए नेशनल एग्जिट टेस्ट जो है वो कंपलसरी माना जाएगा। बाकी डिटेल्ड इंफॉर्मेशन यहाँ पर दी गई है, आप देख सकते हैं। पहले देखो, यूनियन हेल्थ मिनिस्टर है मनसुख मंडाविया, उन्होंने बोला था 2020 बैच, सॉरी 2019 मैंने पहले बोल दिया था, 2020 का बैच पहला बैच होगा जो कि नेशनल एग्जिट टेस्ट देगा। लेकिन बाद में इसको डिले 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 करते गए, और डिले करते करते अब फाइनल डिसीजन ये आया है कि 2024 का जो बैच होगा वो पहला एग्जाम देगा, ये 2028 फरवरी 2028 में। उसके बाद जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, यानी कि 2024, 25, 26, यानी कि 2024 के बाद जितने भी एग्जामिनेशन होंगे, जितने भी स्टूडेंट्स एडमिशन लेंगे उन सभी को नेशनल एग्जिट टेस्ट देना जो है वो कंपलसरी होगा। हर साल फरवरी में इस एग्जाम को जो है वो कंडक्ट करवाया जाएगा। तो ये एक इतनी सी इन्फॉर्मेशन है, एनएमसी ने ऑफिशियली बोल दिया है। सो ये गुड न्यूज़ है, बैड न्यूज़ है वो आप डिसाइड कीजिए। बाकी यार, बैड न्यूज़ मत मान के चलिए, क्योंकि अभी आपने नीट क्लियर करना है, 4 साल है, तो एंजॉय कीजिए अपनी लाइफ को। नेशनल एग्जिट टेस्ट को बाद में देख लेंगे, जब जहां हमने नीट क्वालिफाई कर दिया वहां नेक्स्ट जो है क्या चीज है हमारे आगे। ठीक है, तो इसी पॉजिटिव एनर्जी के साथ, इसी पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ बढ़ते रहिए आगे, अपनी तैयारी को स्ट्रांग बनाते रहिए। बाकी ऐसी ही इन्फॉर्मेशन आगे भी आप सभी को मिलती रहेगी, उसके लिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड लक एंड हैव अ नाइस डे।